क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स। तो इस इक्वेशन से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसको किस मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है कि क्वाड्रेटिक से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। तो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। एक तो बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसको बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना इजी होगा क्वाड्रेटिक के कंपेयर। सो हियर द इक्वेशन इज 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। तो पहले इसको हम बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमें अगर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को बोथ के साथ और फिर कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन नहीं है। तो इस केस में हम पहले इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये 9x² माइनस 9 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, और ये होगा इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से ही होगा 2a² प्लस और ए बी प्लस 2b² इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट और इसके फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है ये 2a, तो ये होगा ए प्लस 2b, और लास्ट के टू टर्म्स में कॉमन है P, तो ये होगा ए प्लस 2b इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट और इसमें ए प्लस बी कॉमन है, तो इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा ये 2a + b इक्वल टू 0। और इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए प्लस 2b और 2a + b के रूप में। तो इसको लिख सकते हैं ये 9x² माइनस 3 ब्रैकेट, और इस ए प्लस बी को हम ए प्लस 2b प्लस 2a + b लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2b 2a + b इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही होगा 9a + b x, और इसको ब्रैकेट में शो करके दिखा देते। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस एक्स को बोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 9x² माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स, और फिर ये होगा माइनस 3 2a + b इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2b इंटू 2a + b इक्वल टू 0। और इसके फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है 3x, तो ये होगा 3x माइनस ए प्लस 2b। लास्ट के टू टर्म्स में कॉमन है ये 2a + b, तो ये होगा 3x, माइनस भी कॉमन लिया तो ये होगा माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट इसमें कॉमन है ये 3x माइनस ब्रैकेट ए प्लस 2b इंटू 3x माइनस ब्रैकेट
टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो. सो थ्री एक्स मीन्स ए प्लस टू बी इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो. और हम इसमें इसके इस होल पार्ट को राइट साइड लाएंगे तो ये होगा थ्री एक्स इक्वल टू ए प्लस टू बी और इसमें होगा थ्री एक्स इक्वल टू टू ए प्लस बी. सो देयर फोर एक्स इक्वल टू ए प्लस टू बी अपॉन थ्री और एक्स इक्वल टू टू ए प्लस बी अपॉन थ्री आंसर. अब हम इसको बाइक्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वेश्चन है 9x² - 9 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस 2a² + 5ab प्लस 2b² इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो है 9 और एक्स का कोफिशियंट है तो बी इक्वल टू होगा -9 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी और सी इक्वल टू इंस्टेंट टर्म है 2a² + 5ab प्लस 2b². इसमें ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है स्मॉल में इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल में इसको सपोज किया. सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू -b + √b² - 4ac अपॉन 2a. और अब हम इसके वैल्यूज को पुट करेंगे तो माइनस और बी की वैल्यू में ये -9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर पे -9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लस में है 9 और सी है 2a² + 5ab प्लस 2b² अपॉन 2a. सो 2 × 9 सो इक्वल टू ये -minus प्लस होगा 9 × a + b प्लस माइनस अंडर रूट और ये -9 का स्क्वायर ये होगा 81 और इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करें तो ये होगा a² + 2ab + b² और ये 9 × 4 = 36 2a² + 5ab + 2b² अपॉन 80 इक्वल टू 9 a + b + √ और इसमें हम कॉमन ले लेते हैं ये 81 और 36 में 9 तो ये होगा 9 × a² + 2ab + b² और इसमें होगा 9 कॉमन लेने से ये 4 × 2a² + 5ab + 2b² अपॉन 18. सो इक्वल टू 9 × a + b + −4 इसमें हमने इस 9 का अंडर रूट 9 है तो ये होगा 3 और फिर अंडर रूट और इस 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9a² + 18ab + 9b² और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8a² - 20ab - 8b² अपॉन 15.
So implies that over इसमें कॉमन है थ्री, तो ये होगा थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंदर रूट, और ये नाइन ए स्क्वायर और ये माइनस एट ए स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर और माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 18. थ्री का टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, ये सिक्स हो, सो इक्वल टू थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो इक्वल टू थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी अपॉन सिक्स, इक्वल टू थ्री इंटू ए प्लस बी, वन टाइम प्लस लिख और वन टाइम्स माइनस लिख, इसको सॉल्व कर देंगे, सो इक्वल टू थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस ए माइनस बी वन सिक्स, और थ्री ए प्लस थ्री बी a plus b upon 6, so equal to we have 4a plus 2b upon 6 or 2a plus 4b upon 6, so this may come on here, this may be too common here, okay, table say 3 over n 3, so equal to 2a plus b upon 3 comma a plus 2b upon 3, answer. Mm-hmm.